अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा सफ़र है कराची कैंट से जंगशाई रेलवे स्टेशन तक का, लेकिन मैं आपको पार्ट्स पार्ट्स करके दिखाऊंगा। पार्ट्स वन आप लोग मेरा देख चुके हैं, ये पार्ट्स टू है। शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में सफ़र करने का एक तरीका ये था कि एक तो किराया सस्ता, सस्ती तरीन ट्रेनों में शुमार होती है। आज एक भाई हमें देखें, ये वीडियो, ये भी भाई वीडियो शूट कर रहे हैं। कैंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था वो डिगरोड रेलवे स्टेशन था। शाम में एक लोकोमोटिव से भी मुलाकात हुई, GU409024, जो के कराची कैंट रेलवे स्टेशन जा रहा था। चलें आपको भी उसका लोकोमोटिव साउंड सुनाते हैं। ट्रेन अच्छे विसल के साथ शाह लतीफ एक्सप्रेस अच्छी स्पीड के साथ 151। अब शाह लतीफ एक्सप्रेस आपको इस ट्रेन की एक ख़ास बात बताते हुए चलें, ये पैसेंजरों के लिए हर कहीं रुक जाती है। ये रुक जाना एक बहुत अच्छा तरीका है ताकि लोग इससे परेशान ना हो सकें।
टिकट चेकर भाई साहब भी आ चुके हैं। जल्दी से हम अपना टिकट निकाल लेते हैं, अगर चेक करने आ भी गए। मैं आपको अपना टिकट भी रिवील करवाता चलूं। जंगशाई तक का 130 रुपये टिकट है। बाकी अपने मोबाइलों की और कैमरे वगैरह की हिफाजत करें। आपको एक बार ट्रैक साउंड की आवाज़ फिर चेक करवा देते हैं। बड़ी ज़बरदस्त ट्रैक साउंड है। हमारा नेक्स्ट स्टेशन एक रोड रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। पार्ट 2 कराची कैंट से डिगरौड़ रेलवे स्टेशन तक का था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर देना, भाई के चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।